हाय गाइस, आप सभी का स्वागत करती हूँ नीतास वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं बनाने वाली हूँ पनीर केक रेसिपी, पनीर केक वेज रेसिपी, जिसमें प्याज लहसुन किसी भी चीज़ के इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो आइए देखते हैं मैंने किस तरह से बनाया है इसे। तो जब हम पनीर को लाकर फ्रिज में रख देते हैं तो क्या होता है ना कि पनीर हार्ड हो जाता है। तो उस हार्डनेस को कम करने के लिए मैं यहाँ गर्म पानी में नमक डालकर कुछ देर के लिए पनीर को ढककर रख दूँगी। करीब 10 से 15 मिनट रखने से ही हो जाएगा, फिर उसके बाद हम इसे बनाएंगे। तो देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ गर्म पानी डाल दिया है और ये नमक डाल रही हूँ, तो इसे मैं ढक कर अभी रख दूँगी 15 मिनट के लिए। तो उसके बाद इसे हम बनाएंगे तो ये बिल्कुल ही सॉफ्ट बनेगा। पनीर सॉफ्ट होते होते हम पनीर की ग्रेवी के लिए जो मसाले हैं उसे रेडी कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए काजू, दो छोटे साइज के टमाटर, अदरक और हरी मिर्च। हरी मिर्च अपने हिसाब से डालें, अगर आपको तीखा पसंद है तो ज़्यादा डालें। हल्दी पाउडर, नमक और जीरा पाउडर भी हम साथ में ही डालेंगे। थोड़ी सी पानी डालकर इन सारी चीज़ों का अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। बिल्कुल ही स्मूथ सा पेस्ट बनाना है, दरदरा बिल्कुल ही नहीं रखना है। पनीर को भूनेंगे तो उसके लिए मैंने यहाँ कढ़ाई बिठा दिया है। पनीर को मैं यहाँ भूनूंगी रिफाइंड ऑयल और थोड़ी सी घी के साथ। कोई भी वेज रेसिपी आप जब बनाते हैं तो घी का इस्तेमाल जरूर करें। और यहाँ मैं पनीर को भूनूंगी। पनीर को बहुत देर के लिए नहीं भूनना है, तो थोड़ी सी हल्दी पाउडर और नमक डालकर पनीर को अच्छे से भूनूंगी। बहुत ज़्यादा देर के लिए आप अगर पनीर को भूनोगे तो पनीर हार्ड हो जाएगा, तो इसीलिए बहुत ही कम टाइम के लिए पनीर को भूनना है। पनीर हमारा भून चुका है, तो मैं एक चीज़ के लिए माफ़ी मांगना चाहती हूँ आप सभी से। ये मैंने बहुत ही देर कर दी वीडियो देने में, तो उसके लिए आप सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगी। तो उसी तेल में हम ग्रेवी को भी बनाएंगे थोड़े से और घी डालकर। तो जो पेस्ट हमने बनाई थी उसी पेस्ट को मैं यहाँ डाल रही हूँ। पेस्ट को डालकर लगातार चलाते रहें, क्योंकि इसमें काजू है तो काजू नीचे चिपक जाती है, इसे लगातार चलाते हुए ही भूनना है। जब तक कि सारे मसालों की कच्चा पर ना जाए तब तक हमें इसे भूनना है। तो यहाँ मैं एक तेज पत्ता को बीच से फाड़ कर डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं वरना स्किप कर सकते हैं। तो ये देखिए, मसाला हमारा थोड़ा ड्राई लग रहा है, नीचे चिपक रहा है, तो यहाँ मैं थोड़ी सी पानी और डाल दूँगी। ऐसे टाइम पे अगर पानी आप नहीं डालेंगे तो जो मसाले हैं वो नीचे चिपक जाएगा, बिल्कुल ख़राब हो जाएगा उसका टेस्ट। तो इसीलिए थोड़ी सी पानी डालकर ही इसे भूनें। कोई भी ग्रेवी के लिए जब हम मसाले भूनते हैं तो उसमें हम पानी डालकर ही भूनें। तो ये हमारा ग्रेवी के लिए मसाला हो गया रेडी, और यहाँ हमने डाल दिया पानी। पानी आप अपने हिसाब से डालें। तो यहाँ मैं गर्म पानी की ही यूज़ कर रही हूँ। तो अभी जब इसमें एक उबाल आना स्टार्ट हो जाए तभी इसमें हम डाल देंगे पनीर को। तो ये देखिए, उबाल आ चुका है और यहाँ मैं डाल रही हूँ पनीर। पनीर को डालकर बहुत देर नहीं रखना है, बस एक उबाल आए और उस पर आप निकाल सकते हैं। तो पनीर को अच्छे से मिला ली हूँ मैं इस ग्रेवी के साथ, और ढककर इसे कुछ देर के लिए एकदम स्टीम लो करके रख दूँगी। तो यही हरी मिर्च मैं ऐसे ही फ्लेवर के लिए डाल रही हूँ, आप चाहे तो डाल भी सकते हैं वन स्किप कर सकते हैं। तो ये अभी ढककर खोल के देख लेते हैं कि हमारा ग्रेवी कैसा बना है। तो अगर आपको थोड़ा और थिक चाहिए तो आप कुछ देर के लिए इसे और रख सकते हैं, पर मुझे ऐसे ही रखना है तो मैं इसे अभी निकाल लूँगी। तो ये ग्रेवी हो चुकी है रेडी, लेकिन उससे पहले हम यहाँ डालेंगे यहाँ इलायची, कुटी हुई इलायची और गरम मसाला पाउडर, और साथ ही थोड़ी सी घी और थोड़ी सी चीनी। चीनी डालने से जो ये पनीर की ग्रेवी की जो रेसिपी है ना, वो उसकी टेस्ट और बढ़ जाती है। तो इसीलिए जब भी पनीर की रेसिपी बनाते हो तो थोड़ी सी चीनी ऐड कर देना।
तो ये हमारा पनीर की ग्रेवी की रेसिपी हो गया रेडी। तो इसे हम सर्व करेंगे, इसे आप फ्राइड राइस के साथ, पराठे के साथ खा सकते हैं। तो ये सिंपल सी रेसिपी आप सबको कैसी लगी ज़रूर बताइए कमेंट करके। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल पर जो नए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।